बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मकैनिक्स बाय क्यू के गौरी उसका यूनिट टू कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस जो बी ए बी एस सी के सिलेबस में है और इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है नाउ द क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन क्वेश्चन में है कि थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी ए ए रिस्पेक्टिवली ऑफर ट्राइंगल ए बी सी अब ए बी सी एक हमारे पास ट्राइंगल है और थ्री फोर्सेस उसकी साइड्स के साथ अलोंग एक्ट करेंगे यानी बी सी के अलोंग फोर्स पी सी ए के अलोंग फोर्स क्यू एंड ए बी के अलोंग फोर्स आर इफ देर रिजल्टेंट द इंस्क्राइब सर्कल अब प्रूव दैट यानी अब हमारे पास यह है कि तीन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इंस्क्राइब सर्कल कि साथ टच कर रहा है यानी इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लेट से ये हमारे पास आर डैश है जो इस स्क्राइब सर्कल को यहां पर टच कर रहा है तो हमने ये फिर रिलेशन बतानी है अब यहां पर इंस्क्राइब सर्कल से क्या मुराद है एक ट्राइंगल के तीन जो साइड्स हैं उनको इंटरनली टच करता हुआ जो सर्कल बनता है उस सर्कल को कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल और एक जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड को बाहर से टच करता हुआ जो सर्कल बनता है उसको एस्क्राइब सर्कल कहते हैं एस्क्राइब सर्कल यानी कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इसकी यूँ साइड्स बढ़ा दी जाए तो ये इसके बाहर साइड से जो टच करता हुआ जो सर्कल है इसको एस्क्राइब सर्कल कहते हैं तो यहां पर हमें इंस्क्राइब सर्कल दिया हुआ है यानी एक ट्रायंगल के इंटरनली uh, साइड्स से uh, उसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जो सर्कल है उसको इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं और इस इंस्क्राइब सर्कल को टच करता हुआ हमारे पास रिजल्टेंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड जितने भी पहले क्वेश्चन थे से वो सेंटर uh, में से उनका सर्कल की लाइन ऑफ इक्वेशन पास करती थी यहां पर साइड पे रिजल्टेंट जो है वो टच कर रहा है तो हमने ये रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करनी है अब हम यहां पहले इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लें नाउ लेट आर डैश बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पी क्यू एंड आर अब अगर हम पी को कंसिडर करें अलोंग एक्स एक्सिस टेकिंग बी सी बी सी अलोंग एक्स एक्सिस एंड रिजोल्विंग अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी अब इन फोर्सिस हम एक्स एंड वाई कंपोनेंट रिजॉल्व करें एक्स इज इक्वल पी अब बी सी चूंकि हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो बी जो है वो फोर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो सो पी कॉस जीरो प्लस फोर्स क्यू अब फोर्स क्यू यहां पर ये एंगल जो है वो सी है अगर इस लाइन को हम यहाँ बढ़ा दें तो यहाँ एक्स एक्सिस से यहां तक का एंगल हमें रिक्वायर्ड है और चूंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल 180 होता है तो हमें यहां से यहां तक का एंगल रिक्वायर्ड है तो ये 180 एटी माइनस सी जो है वो ये वाला इतना एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो आ जाएगा सो क्यू कॉस वन एटी माइनस सी लिख लेंगे आप पाई माइनस सी प्लस अब फोर्स आर फोर्स आर को यूँ बढ़ाया जाए ये b और ये प्लस वन एटी सो इट विल बिकम कॉस पाई प्लस बी सो

और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है पाई प्लस बी पाई प्लस बी का भी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि ये वन एटी में प्लस हो रहा है ज्यादा हो रहा है वैल्यू सो इट्स अ थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस नेगेटिव होता है हेंस वी हैव आर कॉस बी अब ये तो हमने इसके एक्स कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिए नाउ फॉर वाई कंपोनेंट y इज इक्वल अब यहाँ पर हम इसी तरह ये कॉस किब जाए अब सिर्फ साइन जीरो प्लस क्यू साइन पाई माइनस सी प्लस आर साइन पाई प्लस बी साइन जीरो जीरो निश हो गया ना साइन पाई माइनस सी पाई माइनस सी सेकेंड क्वारंट पाई माइनस सी इज सेकेंड क्वारंट और सेकेंड क्वारंट में साइन जो है दैट इज पॉजिटिव सो इट्स वैल्यू इज q साइन c and pi plus b is third quadrant. third quadrant में साइन is नेगेटिव so its value is minus sin minus r साइन b. हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है सो आर डैश इज इक्वल स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है स्केयर रूट एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है पी माइनस क्यू कॉस सी माइनस आर कॉस बी स्केयर प्लस वाई की वैल्यू क्यू साइन सी माइनस आर साइन बी स्केयर इनके स्केयर खोल दें पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कॉस स्केयर सी प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर बी माइनस टू पी क्यू कॉस सी सी और ये माइनस माइनस प्लस टू क्यू आर कॉस सी कॉस बी और माइनस टू पी आर कॉस बी अब यहां पर इसको प्लस क्यू स्केयर साइन स्केर सी प्लस आर स्केयर साइन स्केयर बी माइनस टू क्यू आर साइन सी एंड साइन बी अब यहां पर ये दोनों कठी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला साइंस के थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इजिक्वल टू वन और ये हमारे पास पी स्केयर ही है और यहाँ पर ये कॉस सी कॉस बी और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव देन वी हैव आर स्केयर इक्वल पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर कॉमन और यहाँ से कॉस स्केयर सी प्लस साइंस स्केयर सी प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर पी प्लस साइंस स्केयर पी माइनस टू पी क्यू कॉस सी माइनस टू पी आर कॉस बी प्लस टू क्यू आर कॉस Uh, यहाँ पर हमारे पास था कॉस बी कॉस सी और माइनस साइन बी एंड साइन सी अब ये तो वन हो गया सो आर स्केयर आर डैश स्केयर सॉरी रिजल्टेंट हमने आर डैश रखा हुआ था आर डैश स्केयर इज इक्वल पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस टू पी क्यू कॉस सी माइनस टू पी आर कॉस बी और प्लस टू क्यू आर और यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस है तो यहाँ साइन कॉस वाले ने फार्मूले में हमारे पास पॉजिटिव आएगा और ये कॉस का फार्मूला बनता है सो तो, कॉस बी प्लस सी एक ट्राइंगल में हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स का सम दैट इज इक्वल 180 तो अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी उसके तीनों एंगल्स uh, uh, का सम ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल वन एटी सो इट मीन्स के बी प्लस सी को हम वन एटी माइनस ए वी कैन राइट इट तो कॉस बी प्लस सी इज इक्वल कॉस वन एटी माइनस ए और वन एटी माइनस ए अगेन सेकेंड क्वारन सेकेंड क्वारन में कॉस नेगेटिव होता है सो इट विल यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट है आर डैश स्केर दैट इज इक्वल पी स्केर प्लस क्यू स्केर uh, प्लस आर स्केयर माइनस टू पी क्यू कॉस सी माइनस टू पी आर कॉस बी और इस माइनस को यहां जब ये वैल्यू लगाई तो दैट विल बी माइनस टू क्यू आर कॉस ए अब बाय वेरीगंस्यू रंग अवेरिगन स्यूरम का लिंक ऊपर दिया है आप अवेरिगन स्यूरम को उधर से देख लें हमने आ, के मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर डैश अबाउट ओ इज इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्स पी क्यू एंड आर अब आर डैश अब ये आप पीछे से डायग्राम भी देख लें कि यहाँ हमारे पास ये अगर एक ट्राइंग ये ट्राइंगल जो थी ए बी सी ये रिजल्टेंट इसके साथ टच कर रहा है यहाँ पर हमारे पास ये इसका सेंटर अब बिल्कुल अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास जो है वो आर इसका रेडियस है जो ये फोर्स पी के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है अब अगर इधर से भी हम बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो इस लाइन को टच कर रहा है तो वो भी इक्वल एंड टू रिजल्टेंट सॉरी रेडियस ऑफ अ सर्कल है यानी अब पॉइंट ओ में से पास करता हुआ आर डैश के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस आर है इसी तरह यहाँ फोर्स P फोर्स P के और O के दरमियान भी पॉइंट uh, ओ इनके दरमियान भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो R है इसी तरह प्लस Q इंटू आर परपेंडिकुलर प्लस आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर अब ये हमारे पास फोर्सेस पी क्यू आर आ गई ना आर सब में से कैंसिल तो हमारे पास आ जाता है आर डैश इज इक्वल पी प्लस क्यू प्लस आर स्केयरिंग बोथ साइड्स इसका स्क्यर लिख लिया इसका स्केयर अब वी नो दैट आर डे स्केयर ये सारी वैल्यू के इक्वल है सो so, अब इसकी जगह हम ये लिख देते हैं पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस टू पी क्यू कॉस सी माइनस टू पी आर कॉस बी माइनस टू क्यू आर कॉस इक्वल इसका स्केयर खोल लें पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस टू क्यू आर प्लस टू पी आर पी स्केयर विल बी कैंसल क्यू स्केयर आर स्केयर कैंसल अब यहां से टू पी क्यू है और ये माइनस टू पी क्यू कॉ सी है इसको इस साइड पे पर के अगर हम कॉमन ले लें देन वी हैव टू पी क्यू और वन ये साइड पे आकर प्लस कॉस सी इसी तरह ये टू टू क्यू आर है सो प्लस टू क्यू आर और यहाँ से ये इधर आके प्लस होके इट विल बिकम वन प्लस कॉस ए एंड प्लस ये टू पी पी क्यू हो गया पी आर नाउ पी आर इंटू वन प्लस कॉस बी इक्वल जीरो तो हाफ एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक वन प्लस कॉस सी दिस इज टू कॉस केयर सी बाय टू प्लस टू क्यू आर वन प्लस कॉस सी है सो हाफ एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक टू कॉस स्केयर ए बाय टू प्लस टू पी आर टू कॉस स्केर बी बाय टू इज इक्वल जीरो पूरे को हम यहाँ पर पी क्यू आर से डिवाइड कर दें तो ये टू इस साइड पे सारे ये दिस इज इक्वल जीरो तो टू जो है वो डिवाइड दूसरी साइड पे कर दें खत्म हो जाएगा और पी क्यू आर से पूरी क्वेश्चन को हम पी क्यू आर से अगर डिवाइड कर देते हैं देन वी हैव कॉस केयर सी बाय टू इधर पी क्यू था तो इसके ओवर में आर आ जाएगा और यहाँ पर कॉस केयर ए बाय टू यहां चूंकि क्यू आर था तो ओवर में पी प्लस कॉस केयर बी बाय टू पी आर है तो ओवर में q is equal 0 this is our required relation